बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ योर टीचर तैमूर एजाज। और आज हम कोई लेसन वगैरह डिस्कस करने नहीं जा रहे, बल्कि आज हम डिस्कशन करेंगे अपने करंट इशू के बारे में। ठीक है, वो है बोर्ड एग्ज़ाम 9th और 10th क्लास का, और इसके रिजल्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली 9th 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, कन्फ्यूजन्स भी हैं, वो अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हुए कि आया कि उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, और अगर प्रमोट कर दिया गया है तो उनको किस फार्मूला के तहत जो है वो प्रमोट कर दिया गया है, स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी कॉलेज की क्लासेस के लिए एडमिशन लेना है नेक्स्ट कॉलेजेस में, तो उसके लिए अपने उन्हें फार्मूला या मार्क्स उनके जो हैं वो क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं ना, जैसे 9th का अब एग्ज़ाम था, तो 9th के 2 या 3 पेपर्स हुए थे, तो उसके बाद लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई थी, तो बाकी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। जबकि दूसरी तरफ 10th क्लास जो थी, उसके एग्ज़ाम जो था वो कंप्लीट हो गया था, उनके प्रैक्टिकल्स जो थे वो बाकी थे, वो नहीं लिए गए। तो चूँकि अब ये प्रोलॉन्ग हो गई है सिचुएशन बहुत ज़्यादा, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं इस बारे में। अब इसमें देखें, डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था 10th के, स्पेशली 9th और 10th की मैंने सिलेक्शन इसलिए की है क्योंकि मेरी इस बारे में ज़रा क्लोज ऑब्जर्वेशन है। ठीक है जी। और मेरा बहुत ज़्यादा इनके साथ लिंक रहता है, इस वजह से जो है मैंने 9th और 10th क्लास को जो है डिस्कस करना मुनासिब समझा। ठीक है जी। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसमें सप्ली वाले स्टूडेंट्स भी थे, ठीक है, और फुल अपीयर जो हो रहे थे वो भी थे, इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स भी थे। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही थी, तो उनको एक फार्मूला के तहत जो है वो प्रमोट किया गया। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनको किस फार्मूला के तहत जो है वो प्रमोट किया गया। तो आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। वो है कि विच स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी। यानी कौन से स्टूडेंट्स को जो है वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया। ठीक है जी। इसमें अब 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2 पेपर्स दिए थे, ठीक है, वो तो टोटली जो है वो प्रमोट हो गए। ठीक है, उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, वो अब 10th की क्लासेज, जब भी स्कूल्स ओपन होंगे उनके 10th की क्लासेज जो है वो स्टार्ट होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ दीज स्टूडेंट्स आर प्रोमोटेड, यानी उनको किस फार्मूला के तहत जो है वो प्रोमोट कर दिया गया। ठीक है जी। इस पे बात करते हैं। फिलहाल जो बोर्ड ने पॉलिसी जो है वो डिसाइड किया, चेंज भी हो सकती है, ठीक है, तो फिलहाल जो डिसाइड किया गया वो ये किया गया कि ऐसे स्टूडेंट्स को 10th में प्रोमोट कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट ईयर जब उनका 10th का एग्ज़ाम होगा तो वो सिर्फ उनसे 10th का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है उनको 9th के मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे, अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी 10th में जितने उनके मार्क्स होंगे 9th में भी उतने ही मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल्स के जो है वो डिटेक्ट करके उधर से उनको दे दिए जाएंगे। ठीक है जी। ये तो थे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 9th से 10th में प्रमोट हुए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन 10th क्लास एग्जाम। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो जिन्होंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया था उनका क्या बनेगा जी। तो बोर्ड्स की तरफ से जो है मार्किंग जो है वो स्टार्ट पेपर्स की सेंटर्स में हो चुकी है। तो पहले ये फैसला किया गया था कि इन स्टूडेंट्स को जो है वो 9th के मार्क्स के मुताबिक जो है +3% ऐड करके उनको जो है वो प्रैक्टिकल्स के भी मार्क्स उसमें डाल के 3% ऐड करके उनको पास कर दिया जाएंगे, उनको मार्क्स जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज उनको मार्क्स नहीं बताए जाएंगे बल्कि टोटल मार्क्स उनको बता दिए जाएंगे। लेकिन बाद में जो है कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो है वो ऐसा कोई रूल जो था वो मौजूद नहीं था, तो इसलिए फैसला किया गया कि डिसीजन लिया तमाम बोर्ड्स ने कि मार्किंग की जाएगी। तो मार्किंग जो है वो आपकी इस वक्त सेंटर्स में स्टार्ट है, सब सब्जेक्ट्स की मार्किंग हो रही है, तो इंशाल्लाह जो है वो 10th क्लास का रिजल्ट जो है वो आपका सितंबर के फर्स्ट वीक या अगस्त के लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड्स में ये क्वेश्चन आता है कि चले बाकी पेपर्स तो उनके चेक हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो हैं वो उनके हुए ही नहीं थे। यानी प्रैक्टिकल्स होने थे अभी, ठीक है, उससे पहले ही लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई। अब उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स का क्या होगा,
तो उनके लिए न्यूज ये है जी कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा, ठीक है जी। आपको एक फार्मूला के तहत जो है वो नए आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। तो फार्मूला यहाँ पे मेंशन है कि आपको किस तरह आपको मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के अलॉट किए जाएंगे। इसमें देखें आपके 50% मार्क्स हैं वो हर स्टूडेंट को मिलेंगे, ठीक है। हर स्टूडेंट जिसका प्रैक्टिकल होना था उसको 50% मार्क्स प्रैक्टिकल के मिलेंगे, यानी अगर आपके 13 मार्क्स हैं तो आपको 15 मार्क्स हैं वो हर स्टूडेंट्स को मिलेंगे। और उसके बाद है कि ऑब्टेंड मार्क्स इन सब्जेक्ट, यानी फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स का है तो फिजिक्स में जितने आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, यानी डिवाइड करेंगे उनको टोटल मार्क्स के साथ सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल दोनों के मिला के अगर आपके 120 बनते हैं तो उसे 120 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15 मार्क्स, 50% मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल, 50% मार्क्स यानी 15 आपके जो मार्क्स थे वो बनेंगे, ठीक है। तो उसको आप एंड पे जो है वो प्लस करेंगे, ये टोटल कैलकुलेशन करके जितने भी आपके मार्क्स बनेंगे वो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एक बंदा है जिसके आपके टोटल मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के 15, तो ये 15 यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। उसके बाद एक बंदा है जिसके फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपके मार्क्स बन रहे हैं 95, ठीक है, टोटल मार्क्स हैं उसके 120, 95 को 120 से डिवाइड करेंगे और 15 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके 50% मार्क्स हैं, यानी 15 मार्क्स हो गए आपके 50% मार्क्स वो हर स्टूडेंट का अलॉट किए जाएंगे। एवरेज मार्क्स यहाँ पे निकालिए, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, वो आपके 11.8 आ गए, तो मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो ये आपके टोटल मार्क्स बने 26.8, और ये 0.5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड कर दिए गए 27। इसका मतलब है कि उस बच्चे के या उस स्टूडेंट के जो हैं वो प्रैक्टिकल में 27 मार्क्स जो हैं वो उसको अलॉट किए जाएंगे। तो ये आई थिंक आपको फार्मूला जो है कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि हम कैसे जो हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं, अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो कैटेगरी बनती है कि बाज़ इसमें एग्जाम्स में ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जिनकी 1, 2 या 3 सप्लीज थी, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन है कि उनको कैसे जो है वो प्रमोट किया जाएगा या उनको कैसे उनका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो बात मैं करूँगा वो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स की जो जिसे आप कहते हैं आम वर्ड्स में सप्ली आ गई, ठीक है, उसके बारे में बात होगी, ठीक है। यानी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि 1, 2 या 3 सप्लीज होंगी तो उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी उनको पास कर दिया जाएगा। तो उनको पास करने का फार्मूला ये होगा कि सम ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट्स अदर देन फेल सब्जेक्ट, ठीक है। यानी आपकी जिन भी सप्ली है, 1 सप्ली है, 2 सप्ली है या 3 सप्ली है, उन सप्ली वाले सब्जेक्ट्स को निकाल के बाकी मार्क्स को जो है वो ऐड किया जाएगा, फिर उनको डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ पास सब्जेक्ट्स, यानी आपके जो पास सब्जेक्ट्स हैं उनमें जितने टोटल बनते हैं, ठीक है, उनसे उनको डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो आपके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। तो इतने ही मार्क्स जो हैं वो उनको अलॉट कर दिए जाएंगे और उनको पास कर दिया जाएगा, ठीक है जी। ये तो थे वो स्टूडेंट्स जो जिनकी 1, 2 या 3 सप्लीज बनती थी। इसके बाद हम बात करते हैं जो लास्ट पे जी हमारी इम्प्रूवमेंट कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। अब बाद स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना था, तो ये 2-3 कैटेगरीज बनती हैं कि वो किस तरह इम्प्रूव कर रहे थे। बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पार्ट 2 इम्प्रूव कर रहे थे, और बाज़ ऐसे हैं जो सिर्फ पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे थे, और बाज़ ऐसे भी हैं जो दोनों पार्ट्स इम्प्रूव कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो सिर्फ पार्ट 2 इम्प्रूव कर रहे थे, ठीक है, उनको कैसे मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। अब जो सिर्फ पार्ट 2 इम्प्रूव कर रहे थे उनको पार्ट 1 के इक्वल जो है ना वो मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं उनके अनचेंज होंगे, यानी पुराने जो प्रैक्टिकल के मार्क्स लगे हुए, ठीक है, वही उनके मार्क्स होंगे, जबकि उनके पार्ट 2 के मार्क्स जो उनको अभी उन्होंने देने थे वो पार्ट 1 के मुताबिक जो है उनको मिल जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल पार्ट 2 वो इम्प्रूव कर रहे हैं तो पार्ट 1 के उनके 400 मार्क्स हैं तो पार्ट 2 में भी उनको इतने ही मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे और प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ, यानी ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या होगा जी, ऐसे स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे थे उनके पार्ट 2 के जितने भी मार्क्स हैं उसके इक्वल मार्क्स जो है उनको अलॉट कर दिए जाएंगे और उनके भी प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो सेम रहेंगे जो पहले उनको दिए गए, यानी उनके नए प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है जी। यानी उनको जितने मार्क्स बनेंगे पार्ट 2 में
अब आते हैं अपनी इसी जो है इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी की तरफ। अब बात उसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो रिपीट कर रहे थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री, इन दोनों में से कोई एक का सब्जेक्ट इम्प्रूव कर रहे थे, तो उनको कैसे मार्क्स दिए जाएंगे? उनको मार्क्स इस तरह दिए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल उनके दोनों पार्ट्स में से पहले, ठीक है, जिस भी पार्ट में मार्क्स ज़्यादा होंगे इतने ही मार्क्स जो हैं वो, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के पार्ट वन में थे 60 मार्क्स और पार्ट टू में मार्क्स हैं 50, तो उसके जो ज़्यादा मार्क्स बनते हैं 60, इतने ही मार्क्स उसको दूसरे पार्ट में अलॉट करके उसको टोटल मार्क्स, यानी उसके अगर 60 हैं एक में और दूसरे में कितने हैं 50, ठीक है, उसको 60+60 यानी 60 मैक्सिमम थे तो 60+60 उसको 120 मार्क्स दे के क्लियर कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो मुकम्मल यानी दोनों रिपीट कर रहे थे, पार्ट वन भी और पार्ट टू भी, यानी उनका था कि हम नाइन्थ भी एग्जाम देंगे और टेंथ भी देंगे और इम्प्रूव करेंगे। इनका फिलहाल कोई ऐसा कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया कि इनको कैसे जो है इम्प्रूव, सॉरी इनको कैसे प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है तो बोर्ड जो है इनके लिए स्पेशल एग्जाम जो है वो कंडक्ट करे सितंबर के बाद, सॉरी अक्टूबर में या नवंबर में, लेकिन इनका कुछ स्पेशल एग्जाम कंडक्ट होगा, लेकिन अभी ये को फाइनलाइज नहीं किया बोर्ड ने, ठीक है, इस लिहाज से कोई पॉलिसी जारी नहीं की जी। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चंस और कन्फ्यूज जिनका मैंने कोशिश किया कि मैं आंसर दे सकूँ, और ये जो है वो फिलहाल जो बोर्ड की पॉलिसी है उसके मुताबिक ये आंसर्स आपको दिए गए, ठीक है जी। फार्मूला जो आपको बताया गया बिल्कुल इसी के मुताबिक मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मेरी 9 10th की ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि 9 10th के हवाले से ज़्यादा बात की जाए, इंटर के हवाले से मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा या कैसे पास किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन और कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर हो गए होंगे। काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि जिन लोगों को अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके एग्ज़ाम का क्या बनेगा तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।